चाबी वाली गुड़िया एक बड़े से महलनुमा मकान के लंबे चौड़े लॉन में कुर्सी पर वे अकेली बैठी थी। शाम को विदा देती रात्रि बाहें पसारने लगी थी। चारों ओर का नीरव सन्नाटा एक रहस्यमयी खामोशी में तब्दील होता जा रहा था, पर बाहर के सन्नाटे और एकांत से अलग उनके मन में भारी कोलाहल था। कई आवाज़ें एक दूसरे को पछाड़ती हुई आपस में मिलजुल गई थीं। माथे पर चुहचुहा आए पसीने की बूंदों को आंचल से पोंछकर वो कुछ सहज हुई तो उठकर चहलकदमी करने लगी। अपने विशाल बंगले की ओर उनकी दृष्टि गई तो एक विद्रूप सी मुस्कान अधरों पर खेल उठी। इतना बड़ा बंगला, सुख के सारे साधनों और अकूत धन वैभव से परिपूर्ण होकर भी क्या कभी उनके लिए घर बन पाया? मकान को घर में बदलने की भीतरी ख्वाहिश लिए वो खुद मकान में पड़ी निर्जीव वस्तुओं में कब शामिल हो गई पता ही नहीं चला। अपरिमित वैभव होते हुए भी उन जैसा दरिद्र दुनिया में और कौन होगा। उनकी मुट्ठी तो हमेशा सुख की संपदा के हल्के से स्पर्श को भी तरसती रही है। जाने कितनी बार उन्होंने छोटे छोटे सुखों को अपनी हथेली में सहेजना चाहा, पर हर बार बड़ा सा आघात लगा है उन्हें। उनकी स्थिति पिंजरे में बंद बुलबुल से कम पीड़ादायक नहीं। दुख से आर्द्र आंखों को फिर आंचल से पोंछकर उन्होंने पलटकर देखा, लंबी चमचमाती मर्सिडीज पोर्टिको में आकर रुक गई थी। उनके पति ने कार का दरवाजा लॉक करते हुए दरबान से पूछा था, मेम साहब कहाँ हैं? जी लॉन में हैं, दरबान ने अदब से उत्तर दिया। वो सहज होने का प्रयास करती हुई वापस कुर्सी पर आकर बैठ गई। पर ये क्या, वो चौंक पड़ी, उनके पति लॉन में न आकर घर के भीतर चले गए थे। एक ठंडी सांस लेकर वो टेबल पर पैर फैलाकर कुर्सी पर अधलेटी सी हो गई। अभी कुछ देर पहले ही उनका फैमिली डॉक्टर उनके हाथ में जांच रिपोर्ट थमाकर कह गया था, मैं आपको किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता सरिता जी, आपका ब्रेस्ट कैंसर दूसरे स्टेज में पहुंच चुका है। आपको अस्पताल में जल्द से जल्द भर्ती हो जाना चाहिए। आपने इलाज में बहुत देर कर दी, अगर समय पर इलाज हो गया होता तो। सच कितना भी कड़वा हो डॉक्टर, एक शांति का सृजन तो कर ही जाता है। मन का ऊहापोह शांत हो जाता है, एक बोझ सा उतर जाता है मन से, उन्होंने धीमी सी मुस्कुराहट के साथ कहा था। डॉक्टर के जाने के बाद वे जड़ की भांति निश्चेष सी बैठी रह गई थी। मन का दर्द आंखों में उतर आया था। कितना मुश्किल होता है हृदयगत पीड़ा को दबाकर जबरन मुस्कुराना, वो जानती थी। जीवन भर यूं ही तो मुस्कुराती आई थी वो। अपने से दोगुने उम्र के व्यक्ति को अपना जीवन साथी बनाना उनकी मजबूरी थी, पर भारी दहेज के भार से बाल बाल बचे पिता का खुशी से दमकता चेहरा देखकर एक अनजानी सी मुस्कुराहट उनकी थरथराते अधरों का स्पर्श कर गई थी। पिता की उम्र वाले पति का प्रथम स्पर्श उनकी उड़ी हुई मुस्कान में समाकर उन्हें किस कदर सिहरा गया था, क्या वो आज तक वो क्षण भूल पाए हैं? मेरी बिटिया के तो भाग खुल गए, जो राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह जी के पोते के साथ इसका ब्याह हुआ। पिता की गरीबी जब खुशी बनकर छलकती तो एक मार्मिक मुस्कान सरिता को अपने आगोश में ले लेती थी। अपनी प्रथम संतान की पहली आहट अपने भीतर महसूस करके वो ठीक से खुश भी नहीं हो पाई थी कि उन्हें अपनी सास और पति के राजशाही फरमान के आगे सर झुकाना पड़ा। गर्भ की जांच हुई, कन्या भ्रूण जो ठीक से सांस भी नहीं ले पाया था, गर्भपात के जरिए दुनिया से ही मिटा दिया गया। असीम पीड़ा को मन में समेटे वो मुस्कुराती रही। आखिर खानदान की इज्जत का सवाल था, जमींदार परिवार की बहू, पहली और इकलौती बहू, बेटा जन्ना उनका फर्ज था। बेटा न हुआ तो भला वंश कैसे चलेगा? दो बार गर्भपात की असहनीय और अकथनीय पीड़ा को झेला है उन्होंने। अपनी अजन्मी कन्याओं का हृदय विदारक रुदन वो आज भी कानों में पिघले शीशे सा उतरता महसूस करती है। कभी कभी वो सोचती, उनसे ज्यादा सुखी और संतुष्ट तो उनकी नौकरानी कमली है। समाज के तथाकथित उच्च वर्ग की निगाहों में कौंधती है दृष्टि को झेलती गरीब निम्न तबके की स्त्री कमली, क्या इसे वंश चलाने का भय नहीं खाता? एक दिन मुस्कुराते हुए उन्होंने उससे पूछ ही लिया था, क्यों री, तेरे दो बेटियां हैं, क्या तेरे परिवार वाले एक बेटे की आस नहीं करते? बहुरानी, गरीब के लिए क्या बेटा और क्या बेटी, जितने बच्चे हों उतने जोड़ी हाथ कमाने वाले हो जाते हैं। बेटा होता तो बाहर से कमा कर लाता, बेटियां हैं तो इन्हें आसपास के घरों में काम पर लगा दूंगी, पर बेटा न हुआ तो तेरा वंश कैसे चलेगा? उन्होंने मुस्कान के पीछे दर्द छिपाकर पूछा। गरीबों का केवल पेट होता है बहुरानी, वंश बेटा ये सब बड़े लोगों के चोंचले हैं, कमली ने निर्विकार भाव से कहा और पोछा लगाने लगी। वो हतप्रभ रह गई थी, ये क्या कह डाला कमली ने, एक अजीब सी मुस्कान होठों पर लिए वो सोच रही थी, बिल्कुल ठीक कहती है कमली, वंश खानदान, ये शब्द मन में गहरे तक उतरे गर्व और राजमद का प्रतीक है। कभी कभी सत्य उस नश्तर की तरह होता है जो मन में किसी सोच के रूप में उभरे फोड़े का मवाद बहाकर असीम शांति का सर्जक बन जाता है।
जब उन्हें पहला बेटा हुआ था तो परिवार वालों के गर्वोन्मत चेहरे पर झलकती खुशी देख वो भी एक फीकी हंसी हंस दी थी, पर मन में वेदना का ज्वार भाटा उमड़ रहा था। 5 वर्षों में ही वो 3 पुत्रों की माँ बन गई थी। तीन तीन चिराग हैं हमारे खानदान में। ससुर का ये वाक्य उन्हें तीरसा दंश देता था। आत्मा छलनी हो जाती थी उनकी। मन करता चीख कर पूछे, क्षमाओं को बुझाने वाले लोगों को चिराग के रोशन होने पर खुश होने का क्या अधिकार है? पर आंसुओं से अवरुद्ध कंठ और अधरों पर मुस्कान लिए वो मौन खड़ी रह जाती, मानो भीतर ही भीतर एक बार फिर मृत्युतुल्य यंत्रणा भोग लेती। जब हृदयगत पीड़ा को शब्दों में ढालना बेहद दुष्कर हो जाता है तो वेदना का तीव्र प्रवाह हृदय के भीतर एक आंच का सृजन करता है, ऐसी आंच का जो व्यक्ति का सर्वस्व जला डालती है। आत्म स्वाभिमान पर लगी चोट इस आंच को और सुलगा देती है। कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है उनके पास, बस एक चीज है, बड़े खानदान की बहू होने का तमगा, जिसे वो न तो फेंक सकती है, न ही लाभ छिपाने पर भी छिपा सकती है। कहीं अकेली आ जा नहीं सकती, किसी से खुलकर हंस बोल नहीं सकती, हर जगह खानदान आने आ जाता है। सर्वाधिक दुख तो उन्हें इस बात पर था कि उनके बेटे भी खानदानी परंपरा को जीवंत बनाने में पूर्ण सक्रिय थे। दिन भले घर आना, सुरापान, क्लब, जुआ, बात बात में दिखावा। बाय मम्मा, हमें देर हो जाएगी। सुबह सुबह ये वेद वाक्य सुनना उनकी नियति बन चुकी है और पति तो बस रिश्तों की खाना पूर्ति करते हैं। उन्हें लगता जैसे उनकी सारी संवेदनाएं मर चुकी हैं। उस वक्त अपने विशाल ड्राइंग रूम के कीमती शोकेस में सजी गुड़िया उन्हें बिल्कुल अपना प्रतिरूप लगती। चाबी भरते ही मुस्कुराती हुई नृत्य करती गुड़िया मानो जीवंत हो उठती और चाबी खत्म होते ही स्पंदनहीन। वे भी तो खानदान के शोपीस में सजी एक चाबी वाली गुड़िया है, जो किसी न किसी के एक इशारे की चाबी उन्हें हंसने, रोने, बोलने, चलने, सोचने और संवरने को यंत्रवत मजबूर कर देती है। गुड़िया और अपने बीच बस एक अंतर महसूस करती है, वो धड़कनों का। पर कभी कभी ये फर्क भी उन्हें मिटता नजर आता है, जब उनका स्वाभिमान आहत होता है। वे बहुत देर से लॉन में अकेली बैठी थी। विचारों का प्रवाह रह रहकर विगत की ओर मुड़ जाता था। पिता ने कितने प्यार से उनका नाम सरिता रखा था, पर क्या उनका जीवन कभी सरिता के निश्चल, नीरव, निर्द्वंद्व और अनवरत प्रवाह के समतुल्य बन पाया? बचपन से ही मन की अभिलाषाओं और इच्छाओं को मन में ही दबाकर जीती आई थी वो। कितना चाव था उन्हें बचपन से ही लाल रंग के कपड़े, चूड़ियां, बिंदी और महावर लगाने का, पर ये इच्छा भी 7 परतों में दब गई थी। जब देखो लाल रंग के कपड़े पसंद करते हो, गवारों पर इतनी जल्दी कैसे जाएगा? मुझे ये रंग सख्त नापसंद है, तुम नीले और सुनहरे रंगों के कपड़े पहनो। ऊंची सोसाइटी में उठती बैठती हूँ, रंग और क्वालिटी पहचानना सीखो। मुझे क्या पसंद है और क्या नापसंद, जल्दी जान जाओ तो आपके लिए अच्छा होगा। और मेरी पसंद नापसंद, ये प्रश्न आंसुओं के अविरल प्रवाह में भर गया था। परंपरा, खानदान, पति की इच्छा, पिता की इच्छा, सारी चीजें उन्हें चांदी के समान दिखती थी। ऐसी चांदी जो उनकी स्पंदनहीन वजूद में कंपन पैदा कर उनके अस्तित्व को किसी दूसरे की मुट्ठी में कैद कर जाती थी। सरिता जी, अभी तक आप यहीं बैठी हैं। मैंने बताया था ना, 8 बजे हमें कला भवन पहुंचना है। पति का भारी स्वर सुनकर उनकी तंद्रा भर गई। वो यंत्रवत उठी और तैयार होकर कार में पति की बगल में बैठ गई। कार गंतव्य की ओर बढ़ी जा रही थी और वो फिर से विचारों के तूफान में हिंसती चली जा रही थी। एक बार ने नहीं पूछा की रिपोर्ट आई या नहीं, सब कुछ याद रहता है। एक प्रश्न हथौड़े की तरह मन में टिकाया था, क्या मेरी बीमारी के बारे में सुनकर पति और बच्चों के व्यवहार में बदलाव आएगा? मस्तिष्क ने कहा शायद, पर दिल ने कहा बिल्कुल नहीं। शक्ल इंद्र ने कहा, मुखर्जी पहने हुए लोगों को सत्य और यथार्थ परखता दिखती है क्या? कार झटके से कला भवन के गेट पर रुकी तो उनकी तंद्रा भंग हुई। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम बेहद मनोरंजक थे। सारे लोग कार्यक्रम में डूब से गए थे। तभी एक घोषक ने घोषणा की, अब आप लोगों के सामने राजकीय और विद्यालय की छात्रा दीपा स्वरचित कविता सुनाने आ रही है। जन्म से अग्नि होने पर भी दीपा में जीवन से जूझने का जज्बा कायम है। अनेक मुश्किलें झेलकर भी उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी है। दीपा हाई स्कूल की होमवर्क छात्रा है। कृपया जोरदार तालियों के साथ उस बच्ची का हौसला बढ़ाए। ईश्वर ने यदि दीपा को आंखें भी होती तो ये लड़की बेचारी के मायानों को छू लेती। दीपा का मासूम चेहरा और उसकी भाव विभोरता देने वाली कविता ने सबके मन को छू लिया था। और सरिता, उन्हें भी लगा जैसे दीपा के स्वर ने उनकी आत्मा को स्पर्श कर लिया हो। कविता की अंतिम पंक्तियां लहरों का उनके पैरों में गूंज रही थी। महसूस तो हर चीज को किया करती हूँ, लेकिन आंखें अगर होती तो क्या बात हुई होती। घर पहुँचते पहुँचते 11 बज गए थे। बच्चे अब तक नहीं आए थे। नौकर ने खाना टेबल पर लगा दिया था। खाना खाते हुए अचानक उनके पति को जैसे कुछ याद आया। उन्होंने पूछा, रिपोर्ट मिल गई? सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं,
आज तक का एक वाला मेरी जिंदगी में। मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, वो भी सेकंड स्टेज में। मेरी एक सास ने कह गई थी क्या, उनके पति के हाथ में रखा चम्मच काम उठा। इस कंपन से मुझे न जाने कैसी खुशी अनुभूत हुई। उनके पति कहते जा रहे थे, सर बाजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा, बड़े अस्पताल में ले जाऊंगा, पानी की तरह रिपेयर करा दूंगा। पर उन्होंने जैसे कुछ सुना ही नहीं। मैं तो पति के स्वरों में छिपी थी किरात को, दुख को महसूस कर आयादत हो रही थी। चलो मेरे आज मृत्यु का भय कोई नहीं है, फिर शुरू हुई जीवन की जिंदगी की यंत्रणा में प्रक्रिया। महंगे से महंगा इलाज होने पर भी उनकी दशा बिगड़ती ही जा रही थी। मृत्यु को बिल्कुल निकट जानकर उन्होंने अस्पताल में रहने से इनकार कर दिया। मैं अपने घर में अपनों के बीच अंतिम सांस लेना चाहती हूँ। कुछ देर से उनके बाल बुरी तरह झड़ने लगे थे, सांस वह लेकर उखड़ जाती थी। कई बार सांस लेने में इतनी तकलीफ होती थी, आंखों के आगे गहरा अंधकार छा जाता। एक सुबह मैं चुपचाप बिस्तर पर लेटी थी, मैं तुरंत दवा खिलाकर डॉक्टर इंजेक्शन लगाकर गई थी। उनके मन में संजावा सा उठा था, मेरा जीवन व्यर्थ ही गुजार दिया, पर मृत्यु को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मेरे मन में कई दिनों से जो विचार मेरे बारे में रहा है, उसे धरातल पर उतारने का रत्न गया है। अब मैं वही करूंगी जो मैंने सोचा है। रात में उन्होंने अपने पति से कहा, पर वकील साहब को बोला मुझे मुझे अपनी वसीयत दिलवानी है। आखिर पूरा परिवार रातों में कृष्ण न खाया था, सारे प्रश्नों को उन्होंने अपने मां से कहा था कह दिया था। ये सर्कस है, मां अपनी श्री वर्गी के साथ से जीवन में पहली बार अपने पति की मृत्यु को एक अनजान व्यक्ति के लिए इतनी मन का थी। मैं बुरी तरह हार चुकी थी, पत्नी के हाथ से उसीत मैंने लेकर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया था। बाहर आकर बिस्तर तुम लोग गई जीवन का स्पंदन भरी भीति महसूस करूंगा।